अब मैं जा रही हूँ बीच पे दोबारा से नहाने। सुबह गई थी मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मैंने वॉकिंग करी थी अब्बे पास। वॉकिंग करके आके मैंने चाय नाश्ता किया है अभी, चाय नाश्ता करके अब मैं दोबारा से बीच पे जा रही हूँ, क्योंकि बीच पे मुझे दोबारा से जाके दोबारा से नहाना है, क्योंकि अब मैं लास्ट डे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी पैकिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है। उसके पैकिंग के बाद हम लोग क्या है ना, आराम से नहा धो के अब कुछ खा पी के बस हम निकलेंगे मार्केटिंग में, मार्केट करेंगे कुछ और भी जाकर कुछ देखते हैं। अच्छा लगता है तो कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेना, तो ये सब भी लेना। मेरे तो स्लीपर भी ख़राब हो गई थी, वो भी टूट गई, वो भी लूँगी। तो भाई यहाँ का माहौल सुबह का 9 बजने वाले हैं, टाइम अपना हो चुका है 9 बजने वाले। यहाँ के पेड़ पौधे भी बिल्कुल डिफरेंट है, उन्हें उनकी पता नहीं कैसे किस तरह के अलग ही तरह की वैरायटी है। पता सभी लोग आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गई थी क्योंकि सभी लोगों को जल्दी पड़ रही थी, मैं पैकिंग कर रही थी, तो सभी लोग पहले से पहुंच गए हैं और मैं आप पीछे से आ रही थी। अब नहाने वाले ही नहा रहे हैं, हर कोई नहीं नहा रहा है, मुझे ऐसा लगता है पापा वगैरह नहीं नहा रहे हैं। अभी जितना जल्दी है नहा लूँ कि फ्री हो जाऊँ, तो दोबारा से जाके दोबारा से अच्छे से पानी से नहाना पड़ेगा, उसके बाद देख सकते सब लोग खड़े हुए हैं, पहले से आ गए हैं। मैं नहाऊंगी, मेरी बारी है। बड़ी बोतल तो गाइस अब मैं नहाने जा रही हूँ, सब एक दूसरे के मुंह बन रहा है, हंसी आ रही है, कोई लड़वा है, गर्मी लग रही है, मजा आया पराठे खाने। अभी क्या, हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने और मैंने अभी एक शोरूम पर भी देखा था और यहाँ पर भी देखा है एलिफेंट। देखें ये कलर, मैं आपको गलत बता रही हूँ मगर मैंने लिया इसी तरह का है, मेरा कलर ब्लू कलर में है मगर ये ब्लैक एंड ग्रीन में है, तो मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा, मगर मैंने शॉपिंग करी है भैया के साथ। और भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदिल है। आदिल, बहुत अच्छा, गुड नेम। और आपका शॉप भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मगर अभी क्या है ना, मैंने ले तो लिया, ये पैक कर लिया, इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी खोलकर, क्योंकि ये पैकिंग हो गई, लोड होने वाली है ये एमपी के लिए लोड होगी। हम लोग गोवा में थे तो शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने इसी तरह का एक एलिफेंट लिया है। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताना कैसा रहेगा। और इनकी शॉप पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, सामान बहुत अच्छा है इनके यहाँ पर जो भी मुझको देखने को मिला। हमने कुछ कुछ चीज़ें परचेस भी की है। और आप बताना क्या नाम बोला भैया आपने, क्या नाम बोला आपने, क्या नाम बोला भैया आपने? आदिल मैम। आदिल, तो उनको भी आप कमेंट करना, आविद को भी कमेंट करना। ले लिए यहाँ से काजू और काजू फैनी, अभी लेकर मैंने सोचा यहाँ पे सही मिलता है, तो यहाँ से मैंने अपना पैक करा लिया है। और मुझे काजू फैनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए काजू फैनी ले ली और बादाम लिए मैंने और काजू 2 kg काजू पसंद आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा सही मिल रहा था, छिलके वाला लिया है, पसंद आया, स्वाद अच्छा था, तो मुझे मैंने उसी को लिया है। ठीक है, ये काजू खैनी लिया है और वो लिया है काजू। देखो मेरी स्टाइल बता ना। हाँ, तेरी छोटी बहुत प्यारी बनाई है, किसने बनाई? क्या था उनके पास? एक लुमना की बनवा दे हमारी की, प्यारी लग रही है। देखो एक ही यूनिफॉर्म में जाती है सभी, यहाँ के बहुत ज़्यादा यूनिक लोग देखने को मिले, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने गोवा में। और अभी अभी शाम तक बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है, तो गाइस हम लोग मिलते हैं और आगे आपको। हम लोग आ चुके हैं क्योंकि आज शॉपिंग बहुत हो गई है, बहुत शॉपिंग करी है, 3 घंटे हो गए शॉपिंग को। चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद हमने कहा शॉपिंग करें, शॉपिंग करने के बाद हमारी ट्रेन शाम की है,
आ रहे हैं, पैदल पैदल भी आ रहे हैं, सभी को जाना है। और आज देखो यहाँ पर म्यूजिक भी चल रहा है बहुत प्यारा, और हम लोग बीच के आए दोबारा मस्ती करेंगे। पता नहीं कहाँ ये लोग बैठे हुए हैं सभी लोग। वाओ देख सकते हैं मस्त सारे, और ये लोग अपने मसाज करा रहे हैं, सभी की मसाज हो रही है भाई। मस्ती करने के अलावा यहाँ कुछ नहीं। मैडम बैठना है प्रीपेड। छोटी बनाई हुई, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत मस्ती करी यार सारे दिन शॉपिंग करके, अब थक चुके हम। ये बीच एक सबसे बेस्ट बीच लगा हम लोगों को, हमने इतने बीच घूमे मतलब इतने बीचों में मुझे सबसे बेस्ट बीच यही लगा ना पागा बीच। छोटी कितनी प्यारी बनाई है, मम्मी वगैरह भी थक चुकी हैं पता बहुत ज्यादा। किम्मी कैसा लगा आज का दिन? तो भाई आज का दिन हमारा लास्ट दिन है गोवा में, और अब हम निकलेंगे अपने आज ग्वालियर जाना है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जाने, मन ही नहीं लग रहा है। ये देखिए मेरी चप्पल सब कुछ नहीं हुआ है, मेरा बैग भी नहीं हुआ है। देखिए मैंने तो सारी शॉपिंग की आज है, और क्या लिया मैंने? चीकू के लिए बिल्कुल याद नहीं होगी आपको तो, चीकू के लिए कुछ मैंने लिए लिया। क्या लिया? खिलौना लिया है 50 रुपए को है, और उनके लिए भी टोपी आ गई, मम्मी के लिए पर्स ले दूंगी। अरे वाह, और मैं ये पापा के लिए लोगों की अब तबीयत खराब होने लगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मजे आ रहा है, ये चल रहा है फुल मस्ती। हम लोग निकल आए हैं अब अपने स्टेशन के लिए, और अब हमारे पूरा ट्रिप पूरा हो चुका है, और अब हम निकले हैं अपने स्टेशन पर पहुँच कर अपनी ट्रेन लेते हैं। मेरी ट्रेन है 8:30 बजे की, 8:30 बजे से निकलेंगे। हम लोगों ने खाना पीना तो कंप्लीट कर लिया है, खाना तो खाना नहीं है हमको, जाना है ट्रेन में बैठना है और जाके सोना है। स्टेशन अपना कितने किलोमीटर पड़ता है? दारू पिया है दारू को बुखार
स्टेशन है। तो गाइस हम अपने ट्रेन स्टेशन पर आ चुके हैं और हमारी ट्रेन का टाइम है 8:30 का टाइम है, 8:30-8:45 पर हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो हम अब पहुँचेंगे अपने नागपुर से। कल नाइट में 2 बजे के टाइम पे हमारी ट्रेन फेर है, तो रात में 2 बजे हम लोग बैठे हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी और कल नाइट में ही 9 बजे हम लोग उतरेंगे नागपुर। नागपुर से हमारी ट्रेन है 2 बजे से हम लोग ग्वालियर पहुँचेंगे हम फर्स्ट। तो फिर 2 या 2:30 बजे हम ग्वालियर पहुँच जाएंगे मंगलवार। हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम अपने ट्रेन के लिए बैठते हैं, निकलते तो गए आगे मिलते मैं आपसे ट्रेन में। ओके, हम लोग उतर चुके हैं नागपुर। हमारा अभी एक स्टॉप यहाँ का था, अब नागपुर से सीधा ग्वालियर का नागपुर का स्टॉप रहेगा। तो इसी बीच हम लोगों ने अभी स्टेशन पे आके सभी लोगों ने अपना अपना सामान ले लिया है और हम लोग उतर चुके हैं अपने नागपुर पर। हम आगे के लिए भी नागपुर में खाना वाना खाएँगे, खाना वाना खाने के बाद हम निकलेंगे ग्वालियर के लिए। हमारी ट्रेन है 3 बजे की, सारी रात तो हमको स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा। बहुत प्यारा ये नागपुर का रेलवे स्टेशन है और ये यहाँ का पुल बोल ब्रिज बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो। चलो यहाँ देख नागपुर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा से है, मतलब सफाई बहुत अच्छी है यहाँ का और वातावरण भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 12:30 वेटिंग रूम में बैठी हुई। अभी हम लोगों ने खाना वाना खा पी के फिर बैठ गए हैं और इससे ज़्यादा इंतजार करने में आप पता है सारे दिन करके थके रहते हैं तो नींद आ रही है और इंतज़ार करने में अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेन कब आएगी समझ नहीं आ रहा। सभी लोग ऐसे थके थके बैठे हुए मीटिंग रूम में भी वेट कर रहे हैं नहीं से। ट्रेन का टाइम बहुत लेट है, 3 बजे के रखा है। कहाँ हैं सब लोग, आए नहीं? नींद सबको आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। ट्रेन में 24 घंटे का सफ़र हो गया, अब यहाँ से फिर हो जाएगा 15 घंटे का सफ़र फिर हो जाएगा। बहुत हालत ख़राब हो गई, कल तो फिर भी पहुँच पाएंगे हम। टाइम हो गया 1:10 रात का, तो फिर हम लोगों को क्या करें, बैठे बैठे थक रहे थे तो हमने सोचा बाहर स्टेशन पर घूमा। नागपुर का रेलवे स्टेशन सभी जगह आराम कर रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं। ये फिर आगे अपन को अंदर वो मिल गया ना, वेटिंग रूम सही मिल गया। ये नागपुर में भी रेलवे स्टेशन का एक मतलब जो पहले टाइम का जो चलता था इंजन वो रखा हुआ है, देखने में बहुत यूनिक लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। अच्छा स्टेशन है ना,
तो गाइस हम लोग खाने जा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो गए थे। हल्दीराम की आइसक्रीम खाएंगे। मतलब उसका डेकोरेट भी आप देख सकते हो, एक मतलब बोगी बनाई जाती है। पहले यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, इसका भी टिकट लेना पड़ता है। क्यों और ना टिकट लेंगे सर, आइसक्रीम ऐसा है। हमने टिकट ले लिया है अपनी सॉफ्टी का, अब हम खाएंगे टिकट ले देकर सॉफ्टी। अब कहाँ जाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है ना। कहीं से भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। वनीला या मैंगो? वनीला और मैंगो भी है, दोनों मिक्स करा लो भैया। दो वनीला मैंगो दे देना, मिक्स करके दो। थैंक यू भैया। अच्छा है, दोनों फ्लेवर है, बढ़िया लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। हम लोग सुबह चाय पी ली और अभी ये चाय गाय पी ली है मैंने। अभी थोड़ा सा नाश्ता ब्रेकफास्ट भी करना है और सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। भोपाल से निकल चुके हैं, ग्वालियर में पहुँचने हम लोग 1:30-2 बजे ग्वालियर पहुँच जाएंगे। और सारे दिन भी अब बहुत मस्ती करी, बहुत मज़े आए और ट्रिप बहुत अच्छी रही हम लोगों की। सोचा भी नहीं था इतना अच्छा लगेगा, मगर आप सोच सकते हो गोवा जैसी सिटी में तो कहीं पर भी जाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत वगैरह बहुत मस्ती करी। और अभी का सुबह का माहौल देख सकते हो, अभी ठंडा ठंडा माहौल हो रहा है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने पैसे लाई बताओ जी। झांसी के बाद सीधा हमारा स्टॉप होगा ग्वालियर का। अब हम लोग उतरेंगे सीधा ग्वालियर। हम लोग आ चुके हैं
सब लोग निकल चुके हैं घर के लिए, 2 मिनट का रास्ता है तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो थोड़ा सा पैर भी सही हो जाएंगे, बैठे बैठे कल से बोर हो गए गाड़ी में, पैर को थोड़ा सा चलने हैं तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और फॉलो करें। थैंक यू।